हमने तुझे रात क्या कहा था? आपने फरमाया था कि उल्लू के पट्टे मेरा बेटा 5 साल बाद वापस आ रहा है, अस्तबल से काला घोड़ा लेकर जा और घाट पर पहुंच जा। तो फिर गया क्यों नहीं? जी वो काला घोड़ा जख्मी है, उसके मुंह से मुसलसल खून बह रहा है जी। खून? क्या हुआ? मैं क्या करूं सरकार, वो जो सफेद घोड़ी बराबर में बंधी है ना, उसने काले घोड़े के मुंह पे लाते लाते मार दी। गदा तरीका, घोड़ा लेकर जा, जल्दी दबाओ जा। जी जा रहा हूँ सरकार, जा जा रहा हूँ। आपने इस बुद्धू को क्यों भेज दिया? खुद चले जाते। बेगम ये कोई ऐसी जिसे सर करने के लिए हम खुद चल पड़ते। अरे हमारा बेटा इतने वर्षों बाद विलायत से आ रहा है और आप इसे कोई अहमियत ही नहीं देते? नहीं, इसलिए कि हम एक शौहर और बाप होने के अलावा सुल्तानपुर के जागीरदार भी हैं, जो अपने हाकिमाना फराइज और जिम्मेदारियों को ज्यादा अहमियत देते हैं। एक लड़की है दिलरुबा, जंगल की हूर, जब रक्स करती है तो वादियां झूमने लगती हैं। मेले के दिनों दूर दूर से लोग उसका मुकाबला करने आते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कोई नहीं टिकता। कौन है ये लड़की, कहाँ रहती? दरिया के उस पार एक कबीला है परिस्तान, जहाँ परियां बाल खोले हिरनियों की तरह उछलती फिरती हैं। उन्हीं में काफी राधा जुगनू भी है, जिसने लोटन के दिल को टोटल कंट्रोल किया है। छोटे साहब उधर न जाना, वो लोग बड़े जालिम हैं।
खुदा की कुदरत। खुदा की कुदरत? कहाँ है खुदा की कुदरत? मेरी आंखों के सामने। बदमाशी की बातें करता है। अभी दिखाती हूँ खुदा की कुदरत। जाने दे दिलरुबा, कोई परदेसी है बेचारा। चल चल ना। खुदा की कुदरत देखता है। दिलरुबा बच के आ गए। मैं तो फातिहा पढ़ने लगा था। फातिहा पढ़ ही डालो मियाँ, मैं बच के नहीं, दिल तो वहीं छोड़ा। शुक्र कीजिए, और चीजें तो बच रहे, जल्दी कीजिए, बड़े सरकार गुस्से में खोल रहे होंगे। जबी बेटे, तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? शक्ल तो देखो, ऐसा मालूम होता है परसों से खाना नहीं मिला। क्या यूरोप में कहत है? जी हाँ अब्बाजान, यूरोप में जिस्म से ज्यादा दवा पर तवज्जो दी जाती है। अम्मी। बेटा, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। अरे डॉक्टर, ये गाने बजाने का सामान कहाँ से ले आए? ये मेरा नहीं सरकार, ये छोटे सरकार। जी हाँ बजा, मुझे मौसम का बहुत शौक। मेरा ख्याल था मैंने तुम्हें तालीम हासिल करने के लिए भेजा था, और तुम इसमें कौन सी आफत आ गई है? जाओ बेटा, अपने कमरे में आराम कर। कमाल है, आते ही बच्चे को डांटने लगे हो। ये भी नहीं सोचते इतनी मुद्दत के बाद बेटा घर आया है। बेगम, मैंने सोचा भी नहीं था कि मलिक सुल्तान का बेटा गवैया बनकर वापस आएगा। बाजान के मिजाज को न जाने क्या हो गया। अरे हुजूर, जब आप हुकूमत की गद्दी संभालेंगे तो सब पता चल जाएगा। अरे हम क्या हुकूमत की गद्दी संभालेंगे लोटन, हम तो आते ही गुलाम हो गए। चल यार वहीं चले जहाँ वो काफिर अदा दिलरुबा रहती है। आप इतने परेशान क्यों हो गए? इसलिए कि खाना बदोशों का क्या है तुम्हारा? आज यहाँ है, कल कहीं और चले जाएंगे। खातिर जमा रखिए हुजूर, हमने अपना अकाउंट भी इन्हीं खाना बदोशों के बैंक में खोल रखा है। वाकई? हाँ हाँ, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। डाक बंगले वाले नवाब साहब ने जमीन दे रखी है, ऐश करते हैं, दूध बेचते हैं, शहद बेचते हैं, और फिर ये जिलों का लेन देन। इतना वसी कारोबार छोड़कर चले जाएंगे, नामुमकिन। सीधा सीधा जवाब दे, यहाँ काहे को फिरता है? अरे हमारी मर्जी, जहाँ जी चाहे घूमे फिरे। ओ, 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 ओ। हमको मालूम है तुम बस्ती वाले लड़के हमारे इस डेरे पे आके छोकरियों को तारते हो, हैं? कौन सी छोकरियाँ, जरा हम भी तो देखें। ज्यादा बक बक न कर रही तो माँ के पास ले जाएंगे। ओह, किसकी माँ? मेरी माँ और सारे डेरे की माँ, हमारी सरदार बड़ी बीबी। जा जा अपना काम कर, झूठ मूठ के खाना बदोश और बातें करते नवाब अंदर। कौन हो? कहाँ रहते हो? सुल्तानपुर। रात की तारीखी में हमारी घर में क्यों आए? मौसीकी की कशिश मुझे यहाँ खींच रही है। मौसीकी? वाह 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 वाह, झूठा चोर, मौसीकी का नाम बदनाम करना चाहता है। बोल कैसे आया था यहाँ? बोल माँ, ये जरूर कोई चोर या बदमाश है। मैं सुल्तानपुर के जागीरदार का बेटा हूँ, बदमाश और चोर तुम जैसे नीच और कमीने होंगे। मेरी ये जुर्रत जलील कमीने है। आशु, और मैं इसकी जबान काट लूंगा। आशु, इस वक्त की तनह और निहत्ता है। अजनबी, इस बार हम तुम्हें माफ करते हैं, वरना हमारे बेटे और इस कबीले के होने वाले सरदार की बेइज्जती करके तुम जिंदा नहीं जा सकते। चले जाओ, और याद रखो आइंदा कोई कशिश तुम्हें यहाँ ना रहे। सुना नहीं, चले जाओ।
मैं तो डर गया था। बैठो बैठो। ए छोड़ो, कबीले के लोग देख लेंगे। वो कल रात से वैसे ही बस्ती वालों पर बिगड़े हूँ। क्यों? वो तुम्हारा एक बाबू है ना, वो कल रात दिलरुबा का नाच गाना देखने आ गया था। कौन था वो? मालूम नहीं कौन था, कोई अजनबी था। कहता था कई साल के बाद वापिस आया हूँ। वो बाबू। जुगनू जुगनू। अच्छा तो आप यहाँ इश्क फरमाते हैं? और आप रात को वहाँ क्या करने गए थे? तुझे किसने बताया? मुझे जुगनू ने। तो अपनी जुगनू के जरिए कुछ चक्कर चला उस जालिम को एक बार फिर देख। जमील साहब, ये दुनिया में बहुत से बुजुर्ग आए हैं, मतलब मजनू फरहाद और रांझा वगैरह, लेकिन इतनी स्पीड से कोई नहीं आया। हुजूर अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए और आपके थर्मामीटर का ये हाल है। बड़ा अफसोस है यार, तूने तो उसकी तारीफ की थी। तारीफ का ये मतलब नहीं है कि आप अंदर उसके घर में जा घुसे। जमील साहब बल्कि कानून और कायदे होते हैं, मतलब ये कि पहले आप दूर दूर से देखें और फिर दूरबीन से देखें और जब हासले सिमट के वो हो जाए तो दूरबीन मुझे वापस कर दें। मेरे पीछे क्यों आया है? मैं कबीले का सरदार हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, जहाँ चाहूँ आ सकता हूँ। तू कौन होती है पूछने वाली? कबीले का सरदार तू नहीं, तेरी माँ है। अरे तो एक नहीं दिन मैं भी सरदार बन जाऊंगा और तू मेरी जोरू बनेगी। जोरू? फिर ऐसी बात की तो बाबा से कह दूंगी। बाबा से? अरे बाबा से तो बात पक्की हो चुकी है। किसने की? मेरी माँ ने। ये सच होता तो बाबा मुझसे जरूर कहता। शायद मेरे पापा और तुम्हारे माँ की अपनी शादी की बात होगी। दिलरुबा! दादा, बाबा, तुमने बड़ी बीबी से क्या बात की? मैंने? हाँ, मेरे और बाशु के बारे में। कुछ भी नहीं। तो फिर देख ले बाबा, बाशु मुझे बहुत तंग करता है, कहता है मेरी और तुम्हारी शादी होगी। ओ, अच्छा अच्छा, बड़ी बीवी ने बाशु के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा था तो तुमने हाँ कर दी बाबा? हाँ, और मैंने ये भी कह दिया था कि शादी कबीले के रिवाज के मुताबिक हो। इसमें दिलरुबा की मर्जी है, वो चाहे तो बाशु के गले में सुहाग माला डाल दे। सुहाग माला? बाबा अब ऐसी बातें कभी ना करना। मैं शादी नहीं करूँगी और बाशु से तो बिल्कुल नहीं करूँगी। अरे पगली, बाशु बड़ी बीवी का लड़का का है और कबीले का होने वाला सरदार है। सरदार है तो हम भी किसी से कम नहीं है। बड़ी बीबी से कह देना, उसे समझा ले, नहीं तो इस तरह सेब मारा है, दूसरी बार आंख पर पत्थर मारूंगी। अरे तुमने बाशु को मारा है? ये बड़ा सेब आधे से भी ज्यादा आंख के ऊपर मारा है टाक करके। ये देख लो माँ। देख लिया है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ लड़ाई हुए झगड़े हमेशा पहल तुम्हारी तरफ से होती है। क्या कहती हो माँ? मैंने तो सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था। क्यों पकड़ा था? क्या तुम जानते नहीं, जब तक शादी की बात पक्की ना हो जाए तुम लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकते। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ माँ कि दिलरुबा मेरी जोड़ बनेगी, मेरे सिवा कोई उससे शादी नहीं कर सकता। बाशु ये मत भूलो कि दिलरुबा अपनी मर्जी से कबीले के जिस नौजवान को चाहे अपना शौहर बना सकती है। बाशु के होते हुए दिलरुबा की मज्जाल नहीं किसी और की तरफ आंख उठा कर देखी। अगर तुम जवानी के अंधे जोश में ये समझते हो कि ताकत के जोर से उस लड़की के दिल पर काबू पालोगे तो ये तुम्हारी भूल है। बाशु याद रखो, हवा को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। हवा को न सही, लेकिन दिलरुबा को मैं मुट्ठी में बंद करके दिखा दूंगा। बाशु पागल न बन। सुनो बेटे, तुमसे ज्यादा मैं भी यही चाहती हूँ कि दिलरुबा हमारे डेरे की जीनत बने। मुराद खां भी यही चाहता है, लेकिन दिलरुबा को अपने हुस्न फन पे बहुत नाज है। उसके दिल को जीतना है तो जोरे बाजू से नहीं, गाने में महारत पैदा करके जीत। ये बेसुरी ताने सुन के क्या कहेंगे लोग कि ये खान साहब तंबूरा खान का बेटा है या किसी गधे का बच्चा? गधे का बच्चा। बस तेरी एक सच बोलने की आदत है बेटे, जो मुझे बेहद पसंद है।
इसी तरह सुल्तान की भी आदत डाल ले। नहीं बापू, जब तक दिलरुबा से मेरी शादी नहीं होगी सुल्तान पर ध्यान नहीं लगेगा। सच कहता है बेटे, मेरा ध्यान भी तेरी अम्मा से शादी करने के बाद ही लगा था। तो फिर जल्दी करो बापू, तुम्हारे ऊपर मेरा भी कोई हक है। याद है कमालपुर के मेले में एक तान तुम्हारे हलक में फंस गई थी? हाँ याद है। मैं पीठ पे लात ना मारता तो तुम्हारा दम ही निकल गया होता बापू। बेशक बेशक, मगर वो दिलरुबा का बाप कमबख्त मेरी बात नहीं मानेगा। जरूर मानेगा बापू, मैंने सुना है कि तुम्हारी टक्कर का कोई उस्ताद नहीं है। हाँ किससे सुना? तुमसे, कई बार नशे में बके हो बापू। बेशक बेशक बापू, अगर तुम दिलरुबा के उस्ताद बन जाओ ना तो उसका बाप तुम्हारे बाप। उस्ताद तंबूरा खान, आओ आओ बैठो। बैठ के हुक्का पिया करो। और ये खबर ही नहीं कि मौसीकी का मेला सिर्फ ध्यान पहुंचा है? खबर क्यों नहीं उस्ताद? खबर होती तो इस वक्त हुक्के की गुड़गुड़ की जगह घुंघरों की झंकार और राग रंग की ताड़े देते। मुराद खान वक्त तोते की तरह आंखें बदलता है। आज मेले दिलरुबा जीत रही है, कल दूसरे जीत जाए। क्या मतलब तुम्हारा खान? मतलब ये कि हमारी उस्तादी से फायदा उठाओ और फौरन बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे दो। क्या कहा तंबूरे? नहीं ये मैं क्या बकवास कर दी। मुराद साहब मतलब ये है कि तुम अपनी बेटी को हमारी शागिर्दी में दे दो। मैं न जाने क्या समझा था। बाबा मैं बंगले जा रही हूँ, हजूर नवाबजादे साहब ने शहद मंगवाया। मगर बेटी उस्ताद तंबूरा खान साहब तुम्हें अपनी शागिर्दी में लेना चाहते। हाँ दिलरुबा, तुम्हें ये माना कि तुम इस कंद की माया ना जरा कासा हो, और ये भी माना कि तुम एक हीरा हो, हीरा। मगर हीरे को भी काटने और रगड़ने की जरूरत होती है। कासा, आपके घर में भी तो एक हीरा है कुंदन, उसे क्यों नहीं काट और रगड़ते? सरकार ये नवाबजादी साहब है। कहाँ की? जी वो डाक बंगले वाले नवाब साहब है ना, उनकी साहबजादी है। तो पहुंचाना पड़ेगा। चल जी बुढ़ा। बेटी डैडी, ये यही तो है जिन्होंने तुम्हें बचा लिया और यहां तक लिया है। ओ यस, वो घोड़े से गिरते वक्त। हाँ थैंक यू। हम अपने मौसम का नाम पूछ सकते हैं? जी मेरा नाम जमील, मलिक सुल्तान का बेटा। मलिक सुल्तान, सुल्तानपुर के जागीरदार? जी नवाब साहब। वो तो हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से है। हाँ खूब याद आया, तुम गालिबन तालीम के लिए। जी हाँ यूरोप के। बेटे जमील, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई।
अब हम मलिक साहब को अपना दोस्त ही नहीं कन फरमा भी समझेंगे। सलाम साहब जी, नवाब सादी साहब के लिए शहद लेकर आई हूँ। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ भाई? ये तो हमारे मेहमान जमील साहब हैं। मेहमान? हाँ हाँ। और जमील बेटे, ये दिलरुबा है जिससे गले में जादू, आवाज में वो शीरनी है कि जिसके आगे शायद भी फीका पड़े। जी मैं जानता हूँ नवाब साहब। आप इन्हें कैसे जानते? मेरा मतलब है, मैंने इनकी शोहरत सुनी। झूठ, चोरों की तरह छुप छुप के मेरा नाच गाना देखा है, ये क्यों नहीं कहते जी? खैर अब चोरी से नहीं, मेले में आकर खुले बंदो देखना, दिलरुबा के मुकाबले में कोई नहीं। अच्छा, मुकाबला किससे? मुकाबला किसी में दम हो तो मुकाबले में आए जी। ये बात फिर तो मेले में जरूर आएंगे जी। मारे सनी सा मारे सनी सानी दा पा मा गा रे सा धनी रे सा धनी रे सा धनी रे सा। से रख दीजिए हम आते हैं, ओ हम आते हैं। तुम अपनी अदा हो बहकती घटा हो, बरस गया बादल तो क्या होगा, जो टूट गई पायल तो क्या होगा, जो टूट गई पायल तो क्या होगा। समझाएगा हम सर फिर दीवानों को, शरारे
चलूंगी भी तो महफिल में उजाला होगा, अपने मरने का भी अंदाज निराला होगा, बन के परवाना तेरी राहों में जल जाऊंगा, राख बन के तेरे कदमों में मैं चल जाऊंगा, मैं चल जाऊंगा, मैं चल जाऊंगा। हुई चोर सुवाई बन जोहर जाई, निकल गया हर पल तो क्या पायल तो क्या होगा, जो टूट गई पायल तो क्या टूट गई पायल अब क्या होगा, लो टूट गई पायल अब क्या होगा, पायल 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 पायलिया। मैं तो पहले कहता था कि बेउस्तादे फन का कोई भरोसा नहीं, देख लो वो उस्ताद वाला था जीत गया, फन मांगता है उस्ताद उस्ताद, और उस्ताद मांगता है शराब का मटका। चुप रहो दिलरुबा, तुम्हें का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं। शुक्रिया, बड़े भी शुक्रिया। खान साहब, हमने आपके मशवरे को पसंद किया, इसलिए हुक्म दिया जाता है कि नजदीक और दूर के हर कबीले से मौसकी में माने हुए उस्तादों को बुलाया जाए, और उनमें से जो सबसे ज्यादा बेहतर वही दिलरुबा को मौसिकी की तरबियत दे। खैर, आने दो उस्तादों को, हो जाए मौसिकी का मुकाबला। बापू, तुमसे मुकाबला करने वाला ना आज तक पैदा हुआ है ना होने देंगे। चलो चल के रियाज करते हैं। मुकाबले, ये मेले और इनमें तुम्हारी शिरकत हमें कतन नापसंद है, हमारा वकार मजरूह और कदर मंजिलत कम होती। लेकिन अब्बाजान, मेरे ख्याल में तो मौसीकी बहुत बड़ा फन है, बड़ी इज्जत है। इज्जत? घटिया और नीच लोगों से मेल जोल में इज्जत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे अब्बाजान ठीक कहते हैं बेटा। लेकिन अम्मी जान, वहां तो नवाब साहब भी मौजूद थे। अदालत में मुंसिफ से लेकर मुजरिम तक सब मौजूद होते हैं। असल सवाल है सही। हेलो अंकल जी, अली मलिक साहब मुबारक हो, और हाँ भाभी जान आपको भी, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया है। क्या लोग जैसे जानते नहीं, भाई मौसीकी के मुकाबले में दिलरुबा जैसी कयामत को शिकस्त देना कोई मूली बात तो नहीं थी। आप तो बहुत अच्छा बजाती है, गाने से भी शौक फरमाती होंगी। फिर ताज्जुब है, आपने मुकाबले में हिस्सा क्यों नहीं लिया? दरअसल हम छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते। छोटे? मैं समझता हूँ जिनके पास फन की दौलत और आवाज का जादू हो उन्हें छोटा नहीं कह सकते। यू मीन दिलरुबा? जी। आपको दिलरुबा से बहुत हमदर्दी है? जी हाँ, मेरा मतलब है हारने वाले से तो हमदर्दी होनी ही चाहिए, है ना? हारने वाले से? हारने वाली से। बहुत बड़ी खबर लाई जी। अच्छा? हाँ, वो जो आपका मेहमान है ना। कौन? वही जो मेले में जीत गया था। अच्छा अच्छा, वो जमीन? हाँ, उससे कह देना एक बार तो चलते चलते कोई भी गिर सकता है जी, अगले मुकाबले में संभल कर आए तो उससे जीत जाएगी।
अब अपने मुंह से क्या बोले, आप खुद ही देख लेना। भाई हम भी यही चाहते हैं। वैसे जमील तुम्हारी तारीफ बहुत करता है। जीत क्या है ना, इसलिए झूठी तारीफ करता है। जरा हारने दो जी, फिर देखेंगे क्या कहता है। तुझे इतना यकीन है अपनी जीत का? और क्या, हमारे कबीले जितने हैं ना इधर उधर, उनमें जो सबसे बड़ा गाने बजाने का उस्ताद है ना, अब वो सिखाएगा मुझको। अच्छा? हाँ। उस्ताद? एक नहीं, बहुत से उस्ताद। पहले मुकाबला होगा आपस में, और फिर जो सबको जीत जाएगा वो दिलरुबा को संगीत सिखाएगा। अच्छा, मुकाबला होगा। उस्ताद, 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 उस्ताद। अरे तुम्हें मेरा ये नया नाम किसने बता दिया? बताया क्या मतलब, आप वाकई उस्ताद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं, वो एक उड़ती हुई खबर आई है खाना बदोशों की तरफ से। क्या वहाँ हलचल मची हुई है? वो लोग आपसे इंतकाम लेना चाहते हैं। कौन लोग? वही दिलरुबा वाले। और कौन लोग? लेकिन इंतकाम क्या? अरे मैंने कोई चोरी की है, कोई डाका डाला है, कोई खून किया है? अरे हुजूर, खून चोरी डाका ये तो मामूली वारदातें हैं। कबीले की नाक काट लिए, उनके फन को मट्टी में मिला दिए, वो लोग नवाब साहब में गिर गए, अब आपसे इंतकाम लेना चाहते हैं। अरे तो क्या करेंगे, हवेली को घेर लेंगे। चाहेगा हर कबीले से नामी गिरामी मौसीकार आएगा और अपने अपने फन का जौहर दिखाएगा। जो सबसे बड़ा जौहरी होगा वो दिलरुबा का उस्ताद बनेगा। कसम उस्ताद की सारे जहां को राग छेड़ कर भसम मैं कर दूं बैजू की संतान सैन की। कसम है स्वामी हरिदास की, रुना की कसम, रुश्दी की कसम, माला की कसम, मेहदी की कसम, देवी कसम, मेरी कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, सबकी कसम, अल्लाह कसम, मौला कसम, जिसकी कहो उसकी कसम। वो छेड़ू रागे एटम बम हमारे सामने आए, वो छेड़ू रागे एटम बम हमारे
सामने आए है जो भी सिंगर आजम हमारे सामने आए। बादल आगे धरती पे अमृत बरसाए, हम गाए तो बिजली डोले, मेरे साथ जमाना होले, मैं हूँ बुंदुआ का साला, मेरा गाना सबसे निराला, अपने राग का तोड़ नहीं आओ, मेरा भी कोई तोड़ नहीं है, सुर की आंख से सबको देखो, लय की आंख से सबको परखो, जो लायक है दिल में रखो, ना लायक को बाहर फेंको, इसको फेंको उसको फेंको, जिसको चाहो उसको फेंको, नीचे फेंको ऊपर फेंको जो भी सिंगर आजम हमारे सामने।